हेलो भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज़, आज का गेम प्ले ओपी होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि इतना बड़ा गेम प्ले हो गया है। कैसे? तो आप समझ रही होंगे कि आपके भाई ने इतना ओपी गेम प्ले किया है। ये लिविक में ही खेला जा रहा है पहले की तरह। अगर आप भाई के चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। गाइज़, सपोर्ट बहुत कम मिल रही है आपके भाई को, लेकिन आपका भाई डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहा है एंड तकरीबन 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इवन वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने भाई के चैनल को। यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ एंड मुझे मिलती है यहाँ पे M4। लेट्स सी कितने बंदे हैं, उनसे फाइट लेते हैं। एंड कहते हैं जिसका स्टार्ट बहुत गंदा हो उसका एंड बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट बहुत ही गंदा, मतलब गंदा ही होता है ऐसे समझ लो। तो आपके भाई का एंड जो है बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़, ऐसे ही सीन होता है। यहाँ पे दोबारा मैं इसी जगह ही आता हूँ इवेंट पे, एंड आपका भाई उतरते ही कोई फ़ाइट लेता है। तो फाइट मिस नहीं करनी, आपने एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मेरा टीममेट ऊपर की तरफ अभी बैठा है एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ और लैंड करते ही आपके भाई की फ़ाइट हो जाती है, देखनी है। ओ भाई, अभी किसी के बन रहा है। ओ कुत्ता, इधर आ, इधर आ, इधर से और बंदा है, इधर से और बंदा आ रहा है। वॉच आउट, मारे हैं उसको, इधर से आ रहा है। वॉच आउट, एमओ खत्म हो गया मेरे पास। थैंक यू। मैं मर गया क्या? भाई जिंदा है तू, मेरे पास एमओ नहीं है। ओ तू गोली मारे डर के तेरे भाई, एमओ मेरी नहीं अपनी हो लाइफ है। भाई लोग, एमओ नहीं होता मेरे पास कुछ भी, उसी का आप देख सकते हैं। रेड वाली हो चुकी है। तो यहाँ पे एमओ देख रहा होता हूँ, कहीं पे भी एमओ नहीं होता। इतनी गंदी किस्मत, मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका है। एंड यहाँ पे डब्बे देख रहा होता हूँ, कहीं पे एमओ मिल जाए। यहाँ पे M4 मिलती है मुझे ऊपर वाले डब्बे में, एंड इसमें भी कुछ नहीं होता गाइस। इतनी गंदी किस्मत। एंड आगे वाले डब्बे में जाके देखता हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है मुझे। यार इतनी गंदी किस्मत होती है, यहाँ से मुझे DP मिल जाती है। शुक्र है मुझे DP मिल गई। तो यहाँ से एमओ पिक करता हूँ, एंड DP से एमओ पिक करके आपका भाई जलता है। एक बंदा रहता है एंड उससे फाइट होने वाली है, आपने मिस नहीं करनी। एंड गाइस, इसके बाद इस डब्बे में भी देखता हूँ, कुछ नहीं होता गाइस। ये वही डब्बा है जिससे मैं फिनिश हुआ था, एंड उसी में क्या पड़ा होगा, लूट के ले जाते हैं। एंड ऊपर चला गया वो बंदा। अबे भाई, हेलो यार, इस वो टीम अप कर रहा था। अबे भाई, हेलो हेलो, मैंने कहा नहीं, हेलो बाबा जी नहीं होगा। सख्ती देख रहे हो लौंडे की, वापसी आने का फायदा हुआ है। एमओ खत्म हो गया था मेरे पास। इवेंट तो खाली हो चुका है गाइज, अब आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। सामने फायरिंग हो रही होती है गाइज, यहाँ पे OP फाइट होने वाली है गाइज। आपका भाई 1v3 करने वाला है एंड मिस नहीं करना गाइज। मम्मी सेट वाला भी एक बंदा होता है, उसको भी फिनिश करता है। गाइज, मेरी एक आदत है, मैं जब भी नॉक करता हूँ डायरेक्ट फिनिश ही करता हूँ, क्योंकि उससे यह होता है कि दूसरा टीममेट जो है ना, उसको टेंशन हो जाती है कि रैव दो रैव दो, रैव देने का ऑप्शन ही ना छोड़ो यार, डायरेक्ट फिनिश कर दो, ताकि वो खुद अकेला फाइट करे। उसमें अगर इतना पोटेंशियल है तो वो आपसे फाइट लेगा। अभी एक बंदा रहता है एंड देखते हैं कहाँ पर है।
तो भाई ये रहा मम्मी सेट वाले भाई, एंड इनका नाम है नदीम जान या पता नहीं जा जो भी है, लेकिन भाई को मैंने फिनिश कर दिया। भाई ने मेरी एचपी तो लो कर दी थी, लेकिन खैर भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, नाइस। एंड यहाँ पे मैं किट यूज़ कर रहा था, बोट आ जाते हैं, एंड आपको पता है बोट सबसे पहले मैं फिनिश करता हूँ, क्योंकि आपको पता है बोट तो फेवरेट डिश है ना मेरी, यू नो। तो यहाँ पर मैं एक किट लगाता हूँ, एक और बोट आ जाते हैं, एंड उसको भी मैं फिनिश करता हूँ। इसके बाद आपका भाई चलता है जी, वो क्या बोलते हैं आजकल नए सिस्टम आया हुआ हेल्थ बूस्ट करने वाला, वो बूस्ट करता हूँ। इसके बाद जोन में जाना होता है, एंड डंगर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू माय टीम दिस इज नॉट जानवर, दिस इज डंगर। तो उसमें चल के आपका भाई जोन में चलता है। इस छत पे आ गया हूँ। वैसे तो गाइज इसकी फाइट में 2 सेकंड में मतलब स्क्रिप्ट बना के आपको दिखा देता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि भाई कितना तंग करते हैं, फाइट ले नहीं रहते हैं। फिर हम डंगर में चलते हैं गाइज, एंड आगे की तरफ आपको पता है डंगर में बैठ के 2-3-4 बंदे बैठ सकते हैं। एंड मुझे ये तब पता चला जब हम पूरा स्क्वाड लॉबी होता है, एक दफ़ा गया था तब पता चला जाता था इसमें कि इसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं। एक दफ़ा प्रैंक हुआ था हमारे साथ। एंड गाइज अभी यहाँ पे गाइज एक सोलो होता है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, एंड इसके बाद एक और बंदा होता है सामने की तरफ। तो दोबारा मेरा टीममेट डंगर को बुलाता है, तो यहाँ पे हम डंगर में दोबारा जाते हैं। डंगर की एक आदत बहुत अच्छी है गाइज, ये फास्ट मूव करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मूव करते हैं। तो लास्ट 3 बंदे गाइज, एंड देखते हैं कौन किल कर पाते हैं। मेरा टीममेट पहले की तरह नॉक हो चुका है। उठा मैं थोड़ा पीछे, तू पीछे निकल, मैं हिल करता हूँ यार। क्या था? हिल कर, मैं मर गया। लोकेशन चेंज कर अनीस। गाइज ये तीनों बंदे मुझे सुकून से मार सकते थे, जैसे ये मुझे डैमेज दे रहे थे ना। बस एक ही बात है ना गाइज, ये नूब और प्रो में यही फ़र्क होता है कि वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना चाहे, आपकी 1 HP क्यों ना हो, आप क्लच ले सकते हो, लेकिन ये बंदे पैनिक हो गए थे। एक नॉक हो गया ना इनका, इसकी वजह से ये पैनिक हो जाते हैं। ये होती है नूब और प्रो में फ़र्क। तो गाइज मैं इतना प्रो तो नहीं हूँ, मैं खैर अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, वैसे एक जो प्रो प्लेयर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लास्ट बंदा गाइज ये देखो, ये अभी तक वहीं खड़ा है गाइज, इसने लोकेशन भी चेंज नहीं की गाइज। मैं आप क्या बताऊँ, यहाँ पे हो जाएगा आपके भाई का चिकन डिनर। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।